राजस्थान के चुनावी रण की तस्वीर साफ हो गई है। राजस्थान की राजनीति के दो सबसे बड़े खेमे बीजेपी और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर इस रण को और रोचक बना दिया है। लेकिन रोचक उम्मीदवारों की लिस्ट का आना नहीं है, बल्कि इससे रोचक है जातिगत समीकरण। क्योंकि कांग्रेस जहां सूची में परंपरागत वोट बैंक मानी जाने वाली बड़ी जातियों के टिकट बरकरार रखे, तो वहीं बीजेपी ने इस बार 33 जाट उम्मीदवारों पर दाव खेला है। जबकि परंपरागत वोट बैंक माने जाने वाले राजपूत समुदाय से 25, ब्राह्मण समुदाय से 20 और वैश्य समुदाय से 11 टिकट दिए गए हैं। वहीं कांग्रेस ने सबसे ज्यादा जाट उम्मीदवारों पर दाव खेला है। पिछली बार से ज्यादा 36 जाट उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। साथ ही कांग्रेस ने एससी के टिकट भी बरकरार रखे, लेकिन ब्राह्मणों के टिकटों में पिछले समय की तुलना में 5 की कमी की गई है। देखा जाए तो राजस्थान के चुनाव में जातिगत समीकरण का हमेशा से ही खास रोल रहा है, और यही कारण है कि इस बार की सूची में जातिगत समीकरण को दोनों ही दलों ने तवज्जो दी है। तो यह आपको जातिगत समीकरण बता रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी। 2013 में किस तरह से दाव खेला, 2018 में, 2023 में किस तरह से दाव खेला गया है। तो राजस्थान की कुल जनसंख्या 8 करोड़, जो वोटर्स हैं उनकी संख्या लगभग 5 करोड़ के आसपास है। अब इस साल का जातिगत समीकरण देखें तो राजपूत, एससी, एसटी, मुस्लिम, गुर्जर, माली, जाट, महिला, इन सभी को कांग्रेस और बीजेपी ने टिकट दिया है, उम्मीदवार के तौर पर उतारा है। लेकिन कहीं संख्या कम नजर आती है, कहीं ज्यादा नजर आती है। अगर मुस्लिम वोटर की बात करें तो कांग्रेस ने तो 15 उतारे हैं, बीजेपी ने एक भी नहीं उतारा है। राजपूत उम्मीदवार जो है कांग्रेस ने 17 उतारे हैं, तो 25 बीजेपी ने उतारे हैं। जाट कांग्रेस ने ज्यादा उतारे हैं, बीजेपी ने उनसे कम उतारे हैं। एससी 34-34, यानी दोनों ने बराबर उतारे हैं।